ऑफिशियल फाइनल टूर्नामेंट में सिविक बटालियन की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत यह जो सामना करना पड़ता है, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो लगा बॉल पहुंची है एक बार फिर बांडीपुर के नादियल के खिलाड़ी के पास, उनसे बॉल रुकी नहीं, दोबारा हासिल करने की कोशिश की वहां पर बांडीपुर के खिलाड़ी, ऐसा में बॉल जो है साइड लाइन से बाहर थोड़ी मिलता हुआ यहाँ पर देखें। जैसे आज भी ये हमारा जो अंडर 17 ये चैम्पियनशिप है फुटबॉल की, ये कराई गई और इसका आज फाइनल है यहाँ पे। तो 8 टीमों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किया और ये 3rd बटालियन CRPF के कोलैबोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ने साथ मिलकर ये करवाया है। इस तरह के इवेंट जैसे कि आपने देखा लास्ट ईयर भी जब सीज़न था बहुत सारे इवेंट्स करवाए गए थे और आने वाले इस वाले साल में भी कई सारे इवेंट्स, यूथ फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स इन जॉइंट कोलैबोरेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल और CRP आर्मी और पुलिस की मदद से करवाए जाएंगे। इसमें एक तो हमने ये देखा कि यूथ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो भी इन टूर्नामेंट्स का पार्ट होना चाहते हैं और जो हमारे यहाँ पे यूथ का जो स्पोर्ट्स को लेके जो रुझान है वो भी बहुत अच्छा है और हमें ये देखने को मिलता है कि इन सब से इनका और ज़्यादा जो टैलेंट है वो निखर के सामने आता है।